हम आज JDC की तरफ से जो है वो दोपहर का खाना लेकर मौजूद हैं बूट मोहम्मद हयात कटोहर में, क्योंकि शहर से 3 किलोमीटर अंदर का गांव है और तकरीबन बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। 100% तक यहाँ पे गांव मुतासर हो चुका है। बराबर बराबर 3-4 बूट थे यहाँ, हमने यहाँ गाँव में खाने की तकसीम की और यहाँ पर खाने की तकसीम इसी तरीके से रोजाना की बुनियाद पर जारी है। जैसे कि आप जानते हैं कि JDC फाउंडेशन सैकड़ों की बुनियाद पर सैकड़ों गाड़ियाँ रोजाना की बुनियाद पर निकाल रही है और मुख्तलिफ गाँवों में रोजाना की बुनियाद पर हमारे यहाँ खाना जाता है दोपहर का और शाम का। फैजगंज और कंडियारों से लेकर रहड़ की, डहर की और मीरपुर माथेलो तक हम कवर कर रहे हैं इसे। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे गुजारिश है कि JDC फाउंडेशन को सपोर्ट करिएगा। इस लाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस वक्त मौजूद हैं जामशोरों में और आज हमारा यहाँ पे दूसरा दिन है। कल हमने एक पॉइंट बिल्कुल तैयार कर दिया था, दूसरा पॉइंट DH ग्रुप के ताउन से जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ, ये हमारा दूसरा पॉइंट वो बिल्कुल सामने जो है वो तैयार हो चुका है और तीसरा ग्रुप जो है वो तीसरा पॉइंट जो है हमारा ये बिल्कुल तैयार होने वाला है। ये जितनी भी जगह है इन तमाम पूरी जगह पे जो है वो DH ग्रुप के ताउन से यहाँ पे खेमे लगा दिए जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मजीद जो जगहें हैं जहाँ पे 50, 60, 70, 80 जितने भी कैंप आके लगेंगे दूसरी दिन उसके आगे उसके मुख्तलिफ जगहों पे लगा के फैमिलीज को शिफ्ट करेंगे। और मैं आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त मौजूद हूँ शक्कर में जो हमारा आरजी किचन है। मैं आज आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियाँ खाने की खुश्क आइटम की यहाँ से रवाना होती है। आए मैं आपको दिखाऊँ किस तरह तैयारियाँ जारी हैं और क्या हो रहा है। देखें यहाँ पर हमारे वॉलंटियर मौजूद हैं सारे और इस वक्त जो है वो देखें यहाँ पर तैयार हो रही हैं और क्या देख सकते हैं। देखिए मजीद पकड़ी है यहाँ पर, इसके अलावा ये देखें तैयार हो चुकी है यहाँ पर सारी देखें तैयार हो चुकी है। इसके अलावा गाड़ियों में जो है ना वो देखें लोड हो रही है, जो तैयार हो रही है और रवाना होती जा रही है। देखें आप देखें रखवा रहे हैं सब। हमारा ऑपरेशन जो है यहाँ से मुस्तकिल जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गाड़ियाँ रवाना हो रही हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हमारे वॉलंटियर हैं ये बिल्कुल तैयारियाँ जो है वो इस वक्त दोपहर के खाने के लिए जो है खाना रवाना हो रहा है यहाँ से। सारे मकसद आपको ये है कि JDC जो ऑपरेशन यहाँ पर पिछले 2 महीने से कर रही है वो अभी तक जारी है। इसके अलावा हमारे कैंप सिटी मुख्तलिफ इंटीरियर्स इनके अंदर बहुत सारे जो है शहरों में लग चुके हैं, मजीद लग रहे हैं। देखने वालों से यही गुजारिश है कि JDC को सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरों के अंदर जहाँ पे पॉइंट नंबर 4 के कैंप हमारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पहले हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं 3 पॉइंट हम यहाँ पे तैयार कर चुके हैं जहाँ पे काफ़ी सारे सैलाब मुतासरीन को शिफ्ट कर दिया गया है। अब इस पॉइंट पे जो बहुत सारे पाकिस्तानी जो सैलाब जदगानियाँ मौजूद हैं वो सब यहाँ से हमने बेस और मौजूद हैं और इन सब के लिए यहाँ पर मतलब कैंप लगा रहे हैं जिसमें हमारे साथ खसूसी ताउन किया है DH ग्रुप ने। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे कैंप बुनियाद किया और सैकड़ों की तादाद में हम यहाँ पे कैंप लेके आए हैं। ये एक मुताद अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 30,000 मुतासरीन मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ सिंध पुलिस के बहुत सारे अफसरान यहाँ मौजूद हैं जो हमारे साथ हर तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। हम सिंध पुलिस के भी शुक्रगुजार हैं, सिंध गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि आगे वाले आने वक्त में हम लोगों की मदद और अच्छे तरीके से कर सकें। बहुत शुक्रिया। शहबाज में कि यहाँ पे कैंप लगाने हमने सर की हिदायत पर यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे जो है वो कैंप लगाए हैं। सर आज विजिट किया, सर क्या कहेंगे इस बारे में? देखें इस वक्त जो है लोग पूरी से पंजाब बलूचिस्तान के इलाकों से यहाँ तंबू गोट में गुलशन शहबाज जामशोरों में आए हुए हैं और
और इनको सबसे पहले पेट देने के राशन की ज़रूरत थी, वो कोशिश करके हमने पूरी की है और तमाम मुखय्यर हजरात के तआवुन से की है। फिर है शेल्टर में आप लोगों ने पूरा सपोर्ट दिया हमें और अभी आप टेंट्स मुख्तलिफ जगहों पे कल से लगा रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड मोमेंट। और ये मैं आपसे तकरीबन 30,000 से ऐसे बड़े यहाँ पर आबादी है और आप अंदाजा लगा रहे हैं कितना राशन चाहिए होगा इनको। लोग बढ़ चढ़ के साल हैं यहाँ आकर देखें, इट्स हार्डली 1.5 आवर्स कराची मेन सुपर हाईवे के ऊपर है। आप आएँ यहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक वे से इनको हमने डॉक्यूमेंट किया है, सारी फैमिली हेड्स के नंबर हमारे पास है, उनकी शनाख्ती कार्ड, जो भी इनको राशन दिया जाता है वो इनको रिस्पेक्टिवली दिया जाता है। उनको पुलिस हेडक्वार्टर ले जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर उनको टोकन इशू होते हैं, उसके जरिए फिर ये अपना क्लेम करते हैं राशन। तो आप आएँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, यहाँ पर डोनेशन दें और कॉन्ट्रीब्यूशन अपने अपना हिस्सा जो है वो सोसाइटी के अंदर डालें। तो थैंक यू जे डी सी से कहता आप लोगों ने हमारे एक बहुत रखवाने नहीं। हम इस वक्त रुझान की तरफ आए थे, हमने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करनी आगे इलाकों में। यहाँ से अब 6 किलोमीटर दूर रुझान का एक एरिया जो 80% तबाह हो चुका था, यहाँ से हमें कॉल वसूल हुई। हम यहाँ पे सरदार सलीम खान निदेशक साहब के साथ और IDBP टीम के साथ यहाँ पे आए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो मनाते भी स्टूडियो में आपको दिखाएंगे, दिखाने में बताने का मकसद ये JDC पूरे जनूबी पंजाब में रिलीफ ऑपरेशन का आगाज कर चुकी है। मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं रुझान मजारी में, जहाँ सैलाबी मुतासर हैं। सैलाब में सारी सामान के पूरे 3 डाले हम लोग यहाँ पे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया था, 80-90% अफेक्टेड हो गया। सैकड़ों लोगों को हमने यहाँ बुला लिए, इन सब लोग मुख्य ट्रेडी फूड की कपड़े बच्चों के पूरे हम मुहैया कर रहे हैं। और दिखाने और बताने का मकसद ये, रुझान में भी हमने काम का आगाज कर दिया अलहमदिल्ला। हमारा नंबर है 0213634105 है, आगे के मुनाजिर भी आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके पहले के मनाजिर मैंने आपको दिखाया, हम रुझान अलहमदिल्ला पहुँच चुके हैं। रुझान मजारी का ये इलाका है, 80-90% अफेक्टेड है। यहाँ पे पक्के के इलाके में हमने इनको कच्चे से बुलाया है, यहाँ पे लिस्टिंग हो गई है, असेसमेंट के बाद इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सैकड़ों ये यहाँ पे लोग आए हैं जो मुतासर हैं सराब में। हमारे साथ रियाज साहब मौजूद हैं, हमारे साथ शर्जील साहब मौजूद हैं, राशिद साहब, अतीक साहब, सरदार सलीम खान दरीशक साहब। सर बताएंगे कौन सा इलाका है, ये हम कहाँ पे आए? ये है भुजान के, यानी कि सैलाब का जो मेन जो जगह थी वहाँ पे आए हुए हैं। और ये एक तहसील खान है, जिला वैदिक मौजा जो है माठवा। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं IDBP टीम का जो हमारे साथ पूरी कॉपरेट कर रही है, और इंडस शुगर मिल के एम्प्लाइज का जो हमारे साथ हर वक्त 24 घंटे काम कर रही है। दरेश्वर अली रजा दरेश्वर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे कॉपरेट कर रहे हैं, उनकी टीम हमारे साथ हर उनकी ताउन कर रही है। इन शाला इसे राशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आगे बनाने दिखाएंगे। हमारा नंबर है 0213634105। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। माई नेम है अंदरूनी सिंह, बलूचिस्तान KPK और इस वक्त रुझान में भी जनूबी पंजाब का जो एरिया में मुतासर हुए थे वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम जैकाबाद के इलाके अब्दुल अजीज में मौजूद हैं। इधर JDC फाउंडेशन के रजाकार सैलाब मुतासरीन में खाना फराहम कर रहे हैं। ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, इस नेक काम में आप हमारे साथ जुड़े और हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शुक्रिया। कल जो राशन एयरफोर्स के हवाले JDC ने किया था 25,000 बोरे,
आप देख सकते हैं टंडो बुग्गो बदीन में वो जगह जहाँ पर लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है, बेचारे अब तक पानी में फंसे हुए, सड़कों पे पड़े हुए, नहीं जा सकते गांव में, उनको एयरफोर्स के ट्रकों के जरिए राशन पहुँचाया जा रहा है। और वो तमाम शरारती अनासिर जिनके इल्म में JDC का एक एक चीज़ आटा दाल चावल सब प्लास्टिक की थैली में था, कुछ बारिश में भी हल्का सा भी नहीं भीगा, फिर भी शरारती लोग लोगों को गुमराह करने के लिए और इस नेक काम के खिलाफ अपने मिशन चला रहे हैं, झूठे मैसेज चला रहे हैं। नवीद जमाली, JDC पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। अभी हम इस वक्त मौजूद है काछो के यूनियन काउंसिल टंडो रहीम खान के गाँव मुराद जमाली में, और जहाँ JDC पाकिस्तान और ज़फ़र अब्बास भाई और असकर खोसो साहब की जानिब से भेजा हुआ राशन जो है वो तकसीम कर रहे हैं, जितना हो सके JDC को सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैलाब मुतासरीन की मदद हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। इस वक्त मौजूद हैं बाईपास पे और हैदराबाद से कराची जाने वाली जो सड़क है उसके साइडों पे जो सैलाब मुतासरीन हैं वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, और JDC की जानिब से हम आज इनके लिए जो है वो कपड़े जूते और दीगर आइटम जो है वो लेके आए हैं और इधर तकसीम करेंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और JDC का साथ दें, JDC को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।